बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए बैठता हूँ, सोचता हूँ कौन सा कॉलम का साइज कहाँ पे लूँ। हर जगह पे जाके सॉफ्टवेयर तो सीख लिए हमने, बट सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि कहाँ पे कॉलम रखूं, कहाँ पे कॉलम का क्या साइज रखूं, कहाँ पे बीम रखूं, बीम का क्या डेप्थ रखूं, क्या विड्थ रखूं, इसका कोई थंब रूल ही नहीं पता रहता है हमें। और हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमने स्टैंड प्रो सीख लिया बट हमको पता ही नहीं कि किस तरीके से हमको बीम और कॉलम को प्लेस करना चाहिए, कहाँ पे उसका ओरिएंटेशन रखना चाहिए, उसका जो एक्सियल लोडेड कॉलम है उसको किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, यूनिएक्सियल को कैसे, बाई एक्सियल को कैसे, इसका हमें आइडिया नहीं होता है। तो आज के वीडियो में ये चीज मैं 110% आपका क्लियर कर दूंगा। आप कॉलम का सही पोजीशन देने लगोगे, बीम का सही पोजीशन देने लगोगे और साथ ही साथ आप ये भी समझ जाओगे कि कहां पे स्लैब को हमको रिप्लेस करना है, मतलब स्लैब का ओरिएंटेशन क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि एग्जैक्टली कहां कहां पे कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए। प्लीज जो लोग स्ट्रक्चर और बीआईएम में फुल्ली इंटरेस्टेड है वही लोग वीडियो को देखें, क्योंकि उन्हीं लोगों को ज्यादा मजा आएगा। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे इसको पूरे लॉन्ग वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो देख के बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा आपको। ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा एक जो स्टैट प्रो का लेक्चर होता है, ऑनलाइन लेक्चर होता है, उसका एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग लेक्चर में रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग करके हम उसको भी लोगों को देते हैं जो भी लोग हमसे सीखते हैं, तो उसका एक पार्ट है। आप लोग देखिए और देख के मुझे बताइएगा कि ये थंब रूल्स आपने आज से पहले कभी सीखा था और कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा कि हम एग्जैक्टली हमें कैसे कंसिडर करना चाहिए कॉलम या बीम के साइजेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। इसका एक मैंने पीडीएफ बनाया होगा, टिप्स हो गया, टिप्स है कंप्यूटर एडेड, ठीक है पीडीएफ में नहीं है आई थिंक। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही रखें, ठीक है। आशीष भी है, आशीष को तो पता है ये चीज़, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या थंब रूल्स रखने चाहिए जब हम कभी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। कल कई लोगों ने ग्रुप में बोला था सर ये इसको करने के लिए, तो मैंने बोला वो तो हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, जब कभी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, देखें आपसे आपके सामने कुछ कॉलोनी वगैरह दिख रही है, इस तरीके से कॉलोनीज हैं, इनको अगर डिजाइन करना है तो क्या क्या चीजें हम लोग को फोकस में रखना चाहिए और कैसे कैसे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग ऑफ आरसी बिल्डिंग्स, मतलब आरसीसी बिल्डिंग्स को करने के लिए पहली जो पॉइंट होती है पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन, मतलब कौन सा सही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में हमें कॉलम का फेस रखना है और उसका पोजिशन किस तरीके से रखना है, मतलब उसको टेल्ट करना है, एंगल देना है या फिर यूनिफॉर्म जाना है, वो सब यहाँ डिसाइड करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है पोजिशनिंग ऑफ द बीम, मतलब बीम को प्रॉपर किस तरीके से पोजीशन देना है, बीम किस तरह डायरेक्शन से निकलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट होता है स्पैनिंग ऑफ द स्लैब, कितने बड़े बड़े स्लैब को कंसीडर करना है, स्लैब को वन बे में रखना है या टू बे में रखना है, वन बे में रखना है तो क्यों, टू बे में रखना है तो क्यों, इसका भी रीजन होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद होना चाहिए लेआउट ऑफ द स्टेयरकेस, मतलब जो स्टेयरकेस है हमारा, उस स्टेयरकेस का जो लेआउट है वो कहाँ पे परफेक्ट होगा, कौन सी जगह पे रखना चाहिए उसको। उसके बाद सेलेक्टिंग प्रॉपर टाइप्स ऑफ फूटिंग्स, मतलब कौन से टाइप्स की फूटिंग उस सॉइल कंडीशन के लिए बेटर होगी, ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग अभी अभी आ रहे हैं तो प्लीज ध्यान से देखना। इस तरह के कॉलोनीज को कंसीडर करने के लिए, बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चरल प्लानिंग में क्या रखना है दिमाग में, पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स, कौन सा कॉलम का ओरिएंटेशन रखना चाहिए किधर के डायरेक्शन में। दूसरा पोजिशनिंग ऑफ द बीम्स, बीम्स का पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। तीसरा स्पैनिंग ऑफ द स्लैब्स, मतलब वहां पे कैसा स्लैब का स्पैन, लॉन्गर स्पैन में डालना है कि शॉर्टर में डालना है। इसके बाद लेआउट ऑफ द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का लेआउट किस पोजीशन पर रखना चाहिए। उसके बाद सेलेक्टिंग प्रॉपर टाइप्स ऑफ फुटिंग्स, मतलब कौन से टाइप्स की फुटिंग्स को वहां पे रखना चाहिए। इसके बाद पोजीशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स, इसमें जो सबसे जो मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, नियर द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब जो भी आप कॉलम का पोजीशन दो आप कॉर्नर टू कॉर्नर रीड करोगे, कॉर्नर से पकड़ोगे अगर पोजीशनिंग उसका तो बेटर रहेगा आपका रिजल्ट। उसके बाद एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बीम्स एंड वॉल्स, जहां से बीम आपकी एक इस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी जगह पे आपको एक कॉलम जरूर प्लेस करना चाहिए। वॉल आपकी अगर डिवाइड हो रही है, वॉल इधर जा रही है, वॉल उधर जा रही है और लोड बीरिंग वॉल है, तो ऐसे जगहों पे आपको ध्यान देना चाहिए कि वहां पे आपको कॉलम जरूर प्रोवाइड करना चाहिए।
उसके बाद डेप्थ ऑफ द कॉलम्स इज कांस्टेंट विद मेजर एक्सिस, मतलब कि जो उसका डेप्थ रख रहे हो उसको कांस्टेंट रखोगे तो फायदा क्या होता है मेजर एक्सिस में। अब देखो जैसे मान लो इधर है अभी बिल्डिंग आप देख रहे हो, अब इसका जो डेप्थ है इधर से सेम रखा, इसी के सामने दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, फिर क्या होगा वॉल का जो ब्रिक्स है ब्रिक्स को जोड़ना बड़ा ईजी हो जाता है, ऐसे कॉमन ऐसे करते हुए चले गए। इसलिए जो इसका डेप्थ रखो मेजर एक्सिस में वो सेम रखोगे तो बेटर रहेगा। अब पता चला इसका बहुत ज्यादा चौड़ा कर दिया, इसका बहुत कम कर दिया, तो क्या होता है वो मेल उसका नहीं आता है। सो बेटर होगा कि उसको हमको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट होता है अवॉइड लार्जर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन। अब एक कॉलम है उसके बाद दूसरा कॉलम है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ज्यादा डिस्टेंस मत रखो उनके बीच में, ज्यादा डिस्टेंस दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके स्पैन बार बार फेल करेंगे। इन सब टेंशन से दूर रहने के लिए सबसे बेटर है कि आप छोटे छोटे डिस्टेंस रखो तो बेटर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉलम्स कॉलम ऑन प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन पे आपका अगर कॉलम है तो क्या होगा कि ओरिएंटेशन उसके सेम रहेंगे और उसके प्रॉपर वो मिलता रहेगा सेंटर टू सेंटर से, तो बेटर रहता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम, मतलब कॉलम्स कितने टाइप्स के आप देखने वाले हो। आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें तीन टाइप के कॉलम मिल सकते हैं। पहला है एक्सियल लोडिंग्स जिसमें चारों तरफ से सेंटर पर लोड आ रहा है, और एक होगा आपका बाई एक्सियल जिसमें दो साइड से लोड्स आएंगे, और इसमें एक और हो सकता है आपका यूनिएक्सियल जिसमें किधर से भी एक डायरेक्शन से आपका लोड्स आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं यूनिएक्सियल। पता है ना आपको टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन लोडिंग, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्सियल होता है, एक होता है यूनिक, एक होता है एक्सियल होता है, एक होता है इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यूनिएक्सियल, एक होता है बाई एक्सियल। तो ये यूनिएक्सियल बाई एक्सियल सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है, और जो बाई जो एक्सियल है एक्सियल आप सामने है आपके। इसके बाद नेक्स्ट आपको लेआउट पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ से इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा कॉलम का ओरिएंटेशन किधर रखना है। अब ये स्पैन ऐसा है, अगर इसका स्पैन इधर हम लोग रखते हैं ओरिएंटेशन तो कोई मतलब निकलता क्या, नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि वो कम स्पैन को कवर कर पाता है, और लेकिन अगर हमने उसका स्पैन जिस तरीके से अभी रखा है इस तरीके से रखेंगे तो लॉन्गर स्पैन को कवर कर लेगा। तो ये भी चीज एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हमको कौन सा ओरिएंटेशन रखना है, उसका एंगल क्या देना है, इस चीज को हमको देखना पड़ता है बार बार। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप, तो आपको अभी जब कंफ्यूज रहते हैं कि आपको साइज क्या लेना है, मतलब आप कॉलम का साइज क्या लोगे, इसके लिए बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो आपको आज से आइडिया लगा लेना है क्या साइज लेना है। साइज आपको स्टार्ट करना है हमेशा लोअर से, लोअर मतलब सबसे कम से। तो सबसे कम साइज जो होता है उसका अगर विड्थ की मैं बात करूं तो 230 इन से, उसके बाद 230 में आपको देखते हो कि आपका फेल कर रहा है स्ट्रक्चर, तो फिर क्या करना चाहिए आपको 250 कर देना चाहिए। 250 पे भी अगर आपका स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, जस्ट अ मिनट, तो अगर 250 पे भी अगर स्ट्रक्चर आपका फेल कर रहा है तो 300 कर दीजिए, और 300 पे भी अगर फेल कर रहा है तो 380 कर दीजिए, और 380 भी फेल कर रहा है तो 400 फिर 450, इतने तक जाना चाहिए विड्थ, इससे ज्यादा विड्थ में आपको नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद यही चीज, ये थंब रूल्स है, ये कोई ऐसा नहीं कि इतना ही, बट ये थंब रूल्स है कि नियर अबाउट इतना रखोगे तो बेटर रहेगा आपका रिजल्ट। और डेप्थ में आपको इतना रखना चाहिए 230 250 300 380 400 450 500 530 600 680 750 से 800 840 900 और 1000। लेकिन आप मैक्सिमम कॉलम कैसे देते हो, मैक्सिमम कॉलम आप देते हो रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर वो कब होगा, जब उसका विड्थ रखोगे 230 और डेप्थ कितना रखोगे 300 या तो 250। तो 250 तो कम यूज करते हैं, आपको जो मिनिमम साइज वो लेते हैं 230 इंटू 300 का लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर कॉलम हो जाएगा आपका। और रेक्टेंगुलर कॉलम ही क्यों लेना है, इसका भी रीजन आप समझो, आपका जो रूम का साइज होगा कितना लोग रूम का साइज लोगे, आप रूम का साइज लोगे आप बहुत लोगे तो 12x16 12x14, और रेयर केस में आपका 12x12 होगा, मतलब स्क्वायर में कम होगा। तो जब स्क्वायर में कम होगा तो स्क्वायर में इसका साइज भी नहीं लेना चाहोगे, किसमें लेना चाहोगे, जैसा सेप रहेगा। अभी देखो ना इसमें क्या दिखा रहा है, अब इसमें कैसा है, इसमें देखो ये कैसे है, आई थिंक ये 10 होगा और ये 16 है, 14 और 16 के बीच में है। तो अब इसका साइज कैसा रखना पड़ा, ऐसे रेक्टेंगुलर रखना पड़ा ना, रेक्टेंगुलर रखना पड़ा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा रेक्टेंगुलर लेना है, तो 230x300 का आपको मिनिमम साइज लेके चलोगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। बट अगर आपका रूम सेम है, सेम मतलब स्क्वायर शेप में है, तो वहां पे आप 230x230 से भी आपका स्टार्टअप आप कर सकते हो कि 232x230 में आपका काम हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कॉलम का साइज डिसाइड करते टाइम। इसके बाद आप जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा स्पैन बढ़ा,
तो 300 या फिर 380 ले लिया, 230 बाई 380, यहाँ तक कि अपार्टमेंट वगैरह में 230 बाई 600 तक तो मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ तक आराम से आप ले सकते हैं स्पैन अगर ऐसा है तो। एक्चुअली ये 600 का है भी मुझे लगता है, तो इस तरीके से हम लोग साइज लेते हैं। अब जब और ऊपर जाने लगते हैं तो ये भी बढ़ाने लगते हैं, फिर 250 पा जाएंगे मान लो यहाँ तक जाना है तो, और आगे जा रहे हो तो 300 380। हमारा जो ऑफिस का बिल्डिंग है उसका 450 है ये, और ये उसका 800 है क्योंकि वो किनारा 12 फ्लोर का है, तो आपको इस हिसाब से कॉलम्स उसने दिया है। तो ये डिपेंड करता है हमारा बिल्डिंग कितना हाइट पे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। 5 फ्लोर के बाद कॉलम के साइज को भी कम कर देते हैं, 5 फ्लोर के बाद कॉलम का साइज वहाँ पे कम हो गया है, लेकिन जो नीचे का फ्लोर है उसमें ये साइज दिया हुआ है। अब आपको देखना है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ड्रॉ करके दिखाओ, आप कंफ्यूज हो जाते हो कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। ये देखो सामने है, आज से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो आपका क्या है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे आपको ये और ये और ये इसका मैक्सिमम बार रखना चाहिए, ये और ये का मिनिमम, तो यहाँ से आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके से बार देना है। ओके, और ये आपका इसका एलिवेशन है कॉलम का, हमारे एलिवेशन ये है, तो अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ ये बढ़े हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप सामने, यहाँ पे स्पेसिंग कम है, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये देखो ये पेडिस्टल बने हुए हैं, यहाँ पे पेडिस्टल बने हुए, पेडिस्टल बना हुआ है। और नीचे जाओ तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास इस तरीके से नॉर्मल इमेजेस हैं। इसके बाद पोजिशनिंग ऑफ बीम्स, कॉलम का समझ आ गया होगा आपका भी, कॉलम में डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पोजिशनिंग ऑफ बीम में क्या है कि बीम में आपको देखना है कि हमारा जो बीम है कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो बीम हमेशा रखना चाहिए अंडर दी वॉल, किसके अंदर होना चाहिए, वॉल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। एवॉइड लार्जर स्पैन ऑफ द बीम, मतलब बीम का जो स्पैन है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो बेटर रहेगा आपके पास। तो जैसे स्टील का बीम है तो उसका लॉन्गर स्पैन आप दे सकते हो, बट आरसीसी का जो बीम है उसको ज्यादा डिस्टेंस नहीं देना चाहिए। अवॉइड लार्जर स्पैन, अवॉइड लार्जर स्पेसिंग्स फ्रॉम डिफ्लेक्शन बाय क्रैकिंग क्राइटेरिया। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रखते हैं हम लोग, 300 रखते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी कम रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा स्पेसिंग्स। जैसे कि अभी 500 यूज करते हो, 400 यूज करते हो, 200 स्पेसिंग्स ही लेते हैं, 150 स्पेसिंग ले लिया तो बेटर रहता है क्रैकिंग्स वगैरह के लिए। जनरली बीम्स कैरीज द लाइव लोड अप टू 4 kN में भी लिमिटेड अप, मतलब जैसे होता है कि लाइव लोड का तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू S875 Part 2 क्या कितना होता है लाइव लोड। लाइव लोड हमारा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए रहता है कितना रहता है, 2 kN, कॉमर्शियल के लिए कितना रहता है, 4 kN। जन यहाँ पे देखिए बीम्स के कुछ टाइप से कितना कैंटिलीवर उनको निकाल सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो आप उसको 3 meters तक कैंटिलीवर निकाल सकते हो। सिंपली सपोर्टेड है तो कितना बड़ा स्पैन ले सकते हो आप, 6 meters तक का स्पैन ले सकते हो। अगर ये फिक्स है, मतलब फिक्स और कंटिन्यूअस है, तो आप कहाँ तक ले सकते हो, 8 meters तक आप बीम को मैक्सिमम लेके जाना चाहिए, इसके ऊपर ना ले जाओ तो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद फ्लैंज, फ्लैंज मतलब जो स्टील के बीम्स होते हैं उस पता है ना आपको, बेब और फ्लैंज होते हैं ना, फ्लैंज ऊपर और बेब नीचे, मतलब मिडिल में और फिर उसके नीचे फ्लैंज, तो उसको कितना ले जा सकते हो, उसको कैंटिलीवर लेके जा सकते हो 5 meters, और सिंपली सपोर्टेड है तो 10 meters, और फिक्स है तो कितना 12 meters जा सकते हो आप, ठीक है। अब बीम जो होता है ये कैसे रहता है, एक्चुअली बीम जो होता है ये फ्लेक्सिबल मेंबर होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, ऊपर कंप्रेशन होता है और नीचे क्या होता है, टेंशन होता है। तो बीम कोई पूछता है कि बीम क्या है, टेंशन मेंबर है कंप्रेशन मेंबर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, न टेंशन न कंप्रेशन, ये दोनों है तो बहुत है, तो इसको फ्लेक्सिबल मेंबर्स बोल सकते हो। कॉलम क्या है आपका, कॉलम कंप्रेसिव मेंबर है, क्यों, क्योंकि वो केवल लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है, तो दबा रहता है हमेशा, तो क्या होता है कंप्रेशन में रहता है तो कॉम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद होता है ये सीयर इन द बीम्स, क्रैक्स कहाँ से डेवलप होते हैं बीम में, देख रहे हो आप, ये क्रैक्स डेवलप होते हैं, ये क्रैक्स डेवलप होते हैं, ऐसे हो जाते हैं बार, ऐसे हो जाते हैं, और इसके बाद नीचे देख रहे हो आप बेंट अप बार्स, तो यहीं पर क्रैक्स डेवलप होता है। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि यहाँ तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ से वर्टिकल फोर्स ज्यादा आते हैं। जब वर्टिकल फोर्स आते हैं किसी चीज पे तो क्या करता है, अब कोई चीज तुम्हारे यहाँ पे मान लो प्रेस करो तो क्या होगा, ये भागने की कोशिश करेगा ऊपर और ये भागने की कोशिश करेगा ऊपर, करेगा फोर्स यहाँ से आ रहा है ज्यादा ज्यादा, क्योंकि मिडिल में ज्यादा फोर्स रहता है, तो ज्यादा फोर्स जब आ रहा है तो ये भागने की कोशिश करेगा और ये भी भागने की कोशिश करेगा। जब भागेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव मोमेंट जनरेट होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट जनरेट होगा। तो जब नेगेटिव मोमेंट जनरेट होगा तो इसीलिए क्या करते हैं, आपने सुना होगा क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं ना यहाँ पे, तो वो क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर रेजिस्टिंग द नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे इंक्लाइन बार, यू कैन सी दिस इंक्लाइन बार, दिस इज बेंट अप बार, दिस इज शियर बार्स। ये देखो पहले स्पेसिंग कम रखा, फिर स्पेसिंग बढ़ा दिया, फिर कम रख दिया कॉर्नर कॉर्नर पे। अब इसके भी विड्थ के साइजेस होती हैं अलग अलग, जैसे कि आप देख रहे होंगे पहले वाले में 230 से स्टार्ट होता है, 230, 250, 300। आप ये भी सोच सकते हो कि सर 295 क्यों नहीं लेते,
इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपका जो फोमोस होता है, जो शटरिंग होती है, उसका बाय डिफॉल्ट साइजेस होते हैं उसके, तो उसके साइजेस के अकॉर्डिंग ही लोगे तभी उसको एग्जैक्ट आप पैरामीटर्स दे पाओगे। इसलिए इस अकॉर्डिंग टू साइज ही हमने आप लिया है, वो ये सारे साइजेस अवेलेबल है मैक्सिमम। तो अब जैसे कि 230 का मान लो अवेलेबल है, तो आप 250 आप ले सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट 230 का बाय डिफॉल्ट 9 इंचेस का रहता ही रहता है। तो इसमें 450 तक जा सकते हो विड्थ में, डेप्थ में आप जा सकते हो 230, 250, 300, 380, 400, 450, 500, 530। इसके नीचे जाओगे तो आपकी डीप बीम बनने लगती है, आपने सुना होगा डीप बीम। तो डीप बीम क्या होने लगता है, 600, 840, उसके बाद 900, उसके बाद 1000, इस तरीके से आपकी डीप बीम भी क्रिएट होती है। अभी अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर करके आ रहे थे, अभी स्कूल बिल्डिंग किया था यहाँ पे आशीष में, तो आशीष के ही क्लास में किया था हम लोगों ने। तो इसमें स्कूल बिल्डिंग में हम लोगों ने किया था, उसका जो डेप्थ था वो था 500, उसका जो विड्थ था आई थिंक 230 या 250 ऐसे कुछ था। एक क्वेश्चन आया हुआ ले लेते हैं, सर वॉल अंडर द बीम्स टू टाई होगा भी होगा, लेकिन स्लैब के नीचे भी तो होता है, तो बीम टू अबव द वॉल। हाँ वही मतलब, मतलब जो अपना बीम है वो वॉल के नीचे, मतलब जो ऊपर ऊपर का फ्लोर है उसके नीचे हम लोग रहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। ऑफकोर्स वो तो सबको पता है बीम कहाँ पे हम लोग रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं ऐसे बीम दे देंगे, वो बोलेंगे इसका सेक्शन काट दे देंगे, बोलेंगे सेक्शन ड्रॉ करके दिखाओ, और आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, आप सेक्शन ऐसे ड्रॉ करोगे, ऊपर बार डालोगे नीचे बार डालोगे, ये बीच में बार आप नहीं डालते, क्यों आपको पता नहीं रहता बीच में कौन से बार आएंगे। तो बीच में ये बार आते हैं जिसको आप लोग विंटर बार बोलते हो, क्रैंक बार बोलते हो, तो वो यहाँ पे आते हैं, तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। मिडिल में क्या होता है, मिडिल में वो नीचे रहते हैं, क्योंकि कैसे आते हैं, ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपने सुना होगा ना 0.42D, इसका जो लेंथ होता है क्रैंक बार का लेंथ कितना होता है 0.42D। ये डी क्या है, डी है डेप्थ ऑफ द बीम, डी ये नहीं है डाया बार, नहीं, डेप्थ ऑफ द बीम होता है। और ये एंगल कितना रखते हैं, 45 का एंगल रखते हैं ना, 45 का एंगल लेके इससे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी पूछता है कि बीम का सेक्शन कैसे ड्रॉ करना है, ऑटोकैड में आप ऐसे ही सेम टू सेम ड्रॉ कर दो, परफेक्ट है ये। इसके बाद ये देखो यहाँ पे बीम्स आपके हैं, और ये देखो यहाँ पे बार्स इसके नीचे आ रही है बार, ये देखो यहाँ पे एल डी लग रही है, डेवलपमेंट लेंथ लग रहा है यहाँ पे, 50D लेते हैं ना, 50D या तो 0.87 FY/4 tau BD फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो 50D बाय डिफॉल्ट ले सकते हो थंब रूल से। ये दिख रहे होंगे आपको कुछ यहाँ पे ए ऐसे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, ये ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ब्लॉक है क्या एक्चुअल में, तो ये ब्लॉक कुछ नहीं है, ये ब्लॉक आपके ब्लॉक जो सेप, इसको चेयर्स बोलते हैं एक्चुअली। चेयर्स क्या करते हैं, चेयर्स आपके बार को नीचे जाने से रोकते हैं, बार में बेंडिंग आने से रोकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप ये मतलब मटेरियल डालना, तो कैसे मटेरियल डालेंगे, इसके ऊपर चढ़ के फिर उसके ऊपर मटेरियल उस पर वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होता है कभी कभी बार से ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये 1-1 मीटर की स्पेसिंग्स पे, इंटरव्यू पूछा जाता है कि स्पेसिंग्स क्या रखते हैं इनके बीच की, तो ये 1-1 मीटर की स्पेसिंग्स पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेनफोर्समेंट पे चेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो ईजी हो जाता है, ओके। इसके बाद स्पेनिंग ऑफ द स्लैब्स, स्पेनिंग ऑफ द स्लैब में क्या होता है, यहाँ पे जनरली इकोनॉमिकल कंपेयर टू द वन वे स्लैब विथ बोथ स्पैन। तो किसी कोई क्वेश्चन है सर, चेयर्स में कवर है ना? हाँ हाँ हाँ, वो कवर नहीं एक्चुअली, चेयर्स ये ऐसे ब्लॉक्स लगा देते हैं, कवर तो अलग हो गया इधर, ये ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं। ये ब्लॉक्स क्या करता है, उसको नीचे प्रेस करने से मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल ना जाए, उसको स्पेसिंग देने के लिए प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स स्टील के कुछ जगह प्रोवाइड कर देते हैं, अलग अलग रहते हैं। हाँ ये अलग अलग रहता है ये, ठीक है, एक एक मीटर पे प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। हाँ हाँ संदीप, 750 के नीचे जाता है तो हम लोग वहाँ पे डीप बीम को कंसीडर होता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेनिंग ऑफ द स्लैब्स रहता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसमें ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि LY/LX आपका जो रहेगा वो लेस देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 वे स्लैब हो जाएगा, और ग्रेटर देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 वे स्लैब हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे स्लैब जो होता है, स्लैब में वन वे में क्या रहता है, वन साइड स्पैन कवर हो रहा है, और उसके बाद 2 वे में देखो क्या हो रहा है, दोनों साइड से स्पैन क्या हो रहे हैं, हमारे कवर होते हैं। प्रैक्टिकल साइजेस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स जो होते हैं स्लैब के, उसके साइजेस क्या क्या रहते हैं प्रैक्टिकली, 100 से रहता है, 100, 110, 120। अब जैसे 110, 120 की हमारे हम लोग नहीं लेते, तो हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। 100 के बाद डायरेक्ट अगर 110 या 125 आया, 20 आया, तो क्या डायरेक्ट डालते हैं, 125 ले लेते हैं। इसका मेन क्या ले लिया हमने, 125 ले लिया। इसके बाद अगर 130 आया तो भी 125 लेके डिजाइन कर देंगे। 140 आया तो हम क्या करेंगे, 150 लेके डिजाइन कर देंगे। 160 आया तो 150 लेके डिजाइन कर देंगे। 180 आया तो 200 लेके डिजाइन करेंगे। आप सोच रहे हो सर ये आएगा कैसे 100 या ये, तो आपने मैनुअल डिजाइन पढ़ी होगी, उसमें फॉर्मूला था शॉर्टर स्पैन बाई
बेसिक वैल्यू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर. शॉर्टर स्पैन मतलब 3/4 है तो कौन सा छोटा हुआ, 3 हुआ. तो 3000 डिवाइड बाई बेसिक वैल्यू. बेसिक वैल्यू जो अपना लाइक जो अपने कंटिन्यूस स्लैब रहता है उसके लिए 26 रहता है कंटिन्यूस के लिए, और जो सिंपली सपोर्टेड रहता है उसके लिए 20 रहता है, और जो आपका मतलब कि कैंटिलीवर रहता है उसके लिए कितना रहता है, 7 वैल्यू लेते हैं. तो ये बेसिक वैल्यू हो गया इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.2 से 1.5 के बीच में रखते हैं. तो हमने मान लो 1.2 ले लिया, तो कैलकुलेट करोगे तो इस नियर अबाउट 120 कुछ आएगा. तो 120 आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 125 पे डिजाइन कर देंगे इसको. तो 125, 150, 200 और 100. 100 बहुत कम होता है, सुकेन स्लैब वगैरह रहता है तो वहाँ पे 100 ज्यादा डिजाइन होता है. नॉन लोड बियरिंग पे ज्यादा रहता है 100 का. तो देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखो क्रैंक्स डालते हो और ये मेन बार जाते हैं, फिर उसके बाद फिर क्रैंक जाता है, फिर मेन बार, फिर क्रैंक, ऐसे प्रोवाइड करते हैं आप लोग. सेलेक्टिंग प्रॉपर साइज ऑफ फुटिंग्स, आपको साइज ऑफ फुटिंग सोचना है कि कौन सी यहाँ पे फुटिंग रखूँ, कौन सी फुटिंग उस जगह के लिए अच्छी होगी, बड़ा कंफ्यूजन रहता है. तो देखो कैरीड बाय द कॉलम एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सपोर्टिंग सॉइल. ड्रिल होल्स एंड ट्रायल पिट्स शुड बी टेकन इनटू द C2 प्लेट लोड टेस्ट. आप लोग सुने होंगे प्लेट लोड टेस्ट, उसके अंदर लोग चेक करते हैं इसकी SBC वगैरह. फिर अगर ब्लैक कॉटन सॉइल्स है तो उसके लिए हम लोग को सबसे बेटर रहता है कि आपको डायरेक्ट पाइल फाउंडेशन कर देना चाहिए. क्या कर देना चाहिए, पाइल फाउंडेशन, क्योंकि वहाँ की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो लेस होती है. उसके बाद कॉलम्स आर वेरी लूजली क्लोज, अगर बहुत पास पास है कॉलम तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर पास पास है तो आप उसको राफ्ट फाउंडेशन करोगे तो सबसे बेहतरीन आपके लिए रहेगा. तो वहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन मतलब फॉलो करते हैं तो बेटर रहता है. उसके बाद बाउंड्री लाइंस कंबाइंड फुटिंग्स और स्ट्रेप फुटिंग्स प्रोवाइडेड. वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाउंड्री लाइंस प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेप फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग मतलब समझते हैं आप, तो फुटिंग विच इज कनेक्ट मतलब इसको बोलते हैं स्टेप बीम भी बोलते हैं. स्टेप बीम मतलब फुटिंग बीम विच इज कनेक्ट टू फुटिंग्स इज कॉल्ड स्टेप बीम. तो वहाँ पे स्टेप बीम हमको डाल देना चाहिए, इसके ऊपर वॉल वगैरह हम लोग लेके जाते हैं. और इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखो, यहाँ पे ये पेडिस्टल्स हैं और यहाँ पे आपके आइसोलेटेड फुटिंग्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी. तो इस तरीके से फुटिंग्स डालते हैं ऐसे. तो ये प्रैक्टिकल कुछ एक्सपेक्ट थे जिनको आप कंसीडर करते हुए अगर डिजाइन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा. दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा, देखो यार क्या होता है, कंटेंट तभी सॉलिड मिलता है जब थोड़ा सा जो वीडियो होता है बड़े बड़े बनते हैं, और बड़े वीडियो में मुझे तो प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है कि इसका एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कम हो जाएगा. आप लोग इन तक देख रहे हैं तब जाके आपको पता है कि आप तो मतलब काफी सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आप लास्ट तक देख रहे हो. इसी वजह से क्या होता है, बहुत ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाते हैं. इसीलिए हम लोग क्या, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को समझाने में कम से कम डेढ़ घंटे तो लगते हैं, और डेढ़ घंटे का वीडियो बना दूंगा बिलीव करिए कोई भी नहीं देखता, वो बहुत दिक्कत होती है, CPM गिर जाता है, फिर चैनल को ग्रो होने में दिक्कत आती है. साथ ही साथ अपने कोई, अब हम लोग तो सेल वाले हैं, इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आता नहीं है कि हम मार्केटिंग करें. बस हम आपसे ही शेयर करने के लिए बोलते हैं कि आप प्लीज शेयर करो, सो प्लीज इतना जरूर करो, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुंचे और 10K पहुंचने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. साथ ही साथ जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करता हूँ. सो नेक्स्ट फ्राइडे को, जो अभी नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे को यानी आई थिंक 6th of May को हम लोग का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फटाफट आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना. बहुत कम पीस रखा है क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी. तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 5000 रुपीज फीस करवा दिया है, जो कि अभी तक कितना था, 15000 था, फिर हमने उसका हाफ कर दिया था. बट कई लोगों ने बोला कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने 5000 फीस कर दिया. अब इससे ज्यादा कम मत करवाना. और आपको इसमें केवल केवल स्टैट्रो नहीं मिलता, मेरे लेक्चर्स में आपको अभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं. तो कोशिश ये है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकें आपके साथ. और डेली डेढ़ घंटे की क्लास होती है हमारी, जो अभी रेगुलर भाई 2-3 स्टैट की बैचेस चल रही है, एक ईडीएफ की बैच चल रही है, टेक्ला की बैच चल रही है, सभी बैच चल रही है. बट अभी अपकमिंग फ्राइडे को हमारी एक न्यू बैच लॉन्च हो रही है. सो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लो जल्दी जल्दी से. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792621121, उस पर कॉन्टेक्ट कर लो, मैं आपको सिलेबस भेजूंगा. सिलेबस अच्छा लगे तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा. तो मैं वेट करूंगा, जल्दी जल्दी से आप आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए. और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करो यार, जिससे कि इतना बेहतरीन कंटेंट, क्योंकि आप तक को आप कंफ्यूज रहे होंगे कि यार मैं कॉलम का साइज क्या लूं, बीम का साइज क्या लूं. इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, तो अच्छा लगा होगा. ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे मैं नेक्स्ट कंटेंट जल्दी से जल्दी आप तक लेके आऊं. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.